चेकिंग अभियान के दौरान सचल दल ने कार से बरामद किया 5 लाख का कैश। 4 लोगों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान होते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले पैसे और शराब को लेकर जिले की सीमाओं पर सचल दल वाहनों को सतर्कता के साथ चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी अभियान के तहत सचल दल के द्वारा हाथरस जिले के थाना सिकंदर राव क्षेत्र जरेरा के पास सचल दल ने चेकिंग के दौरान एक कार से 5 लाख का कैश बरामद किया है। कार सवारों द्वारा सचल दल को संतोषजनक जवाब न देने पर सचल दल ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सिकंदराव क्षेत्र के जरेरा चौकी के निकट चेकिंग के दौरान जलेसर की ओर से आ रही एक होंडा सिटी कार में एसटीएफ बालू द्वारा 5 लाख का कैश बरामद किया गया है। वहीं अधिकारियों से बात करने पर पता लगा कैश पकड़ने के बाद किसी प्रकार का गाड़ी में पकड़े गए 4 व्यक्तियों द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। वहीं अधिकारियों द्वारा 4 लोगों को सिकंदराव थाने कोतवाली लाया गया है और वहीं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर हिमांशु राय, अभी एक केस पकड़ने की सूचना प्राप्त हुई, उस बारे में जानकारी दें। हाँ, हम लोग FST टीम है जी, तो जरेरा चेक पोस्ट पे हमने चेकिंग की जी जी, और वहाँ पे एक हुंडई की गाड़ी i10 जी जी, हुंडई की i10 गाड़ी में 5 लाख रुपए कैश मिला है जी, जिसका इन्होंने मतलब कोई कागज नहीं दिखाया, कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। हाँ, समय नहीं थे कागज। अच्छा, एक बात बताइए, जो कैश जो पकड़ा गया है उसमें लगभग कितने लोग आपने पकड़े हैं साहब? 4 लोग थे। 4 लोग पकड़े गए। गाड़ी सिकंदराव की तरफ से जा रही थी या जलेसर की तरफ से आ रही थी? जलेसर से आ रही थी, सिकंदराव की तरफ, क्योंकि आपने उनको पकड़ लिया जी। कितने रुपए दिए उसमें जी? 5 लाख। 5 लाख।